व्यासवा संपूर्ण खबर को 2016 मसीहा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देशद्रोह मामला रे चार्जशीट दाखल करा जाय छि। पूर्वतन छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार, उमर खलीद और अन्य मानक विरुद्ध रे चार्जशीट दाखल करा जाय छि। 3 वर्ष पोरे चार्जशीट दाखल करी छि दिल्ली पुलिस। 3 वर्ष पूर्वे जेएनयू परिसर रे एक कार्यक्रम चलितबा बेले भारत विरोधी स्लोगान दिया जायतबा अभियोग होइतला। कन्हैया कुमार और अन्य छात्र मानक गिरफ्त भी करा जायतला। सेतबेले एही घटना बड़ राजनैतिक प्रसंग पलटितला। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देशद्रोह मामलें चार्जशीट दाखल कर दिल्ली पुलिस। पूर्वतन छात्र संघ सभापति कन्हैया कुमार समेत छात्र नेता सईद उमर खलीद, अनिर्वाण भट्टाचार्य और उमर गोल विरोध में दाखल हो चार्जशीट। 12,000 पृष्ठार चार्जशीट अन्य छात्र नेता ना भी रही। 2016 फेब्रुआरी 9 विश्वविद्यालय कैंपस रे पार्लियामेंट आक्रमण मास्टरमाइंड अफजल गुरुर फांसी दिवस पालन करा अभियोग होता। से कार्यक्रम रे भारत विरोधी स्लोगान दिया जाइथिला। स्लोगान देवाको कन्हैया कुमार अन्य मानंकु उस्काई अभियोग करथिला पुलिस। अखिल भारत विद्यार्थी परिषद एबीवीपी रे अभियोग परे 2016 फेब्रुआरी 11 देशद्रोह अपराधिक षड्यंत्र दफा लगाई मामला रुजू कला पुलिस। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन अनुमति नदेबा सत्वे अफजल गुरु फांसी दिवस कार्यक्रम आयोजन करा जाइथिला, तबे पुलिस चार्जशीट को कन्हैया कुमार राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित बोली कहिछंती। 3 साल के बाद जब वो जाने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, तो इस मामले में चार्जशीट आई है। हालांकि हम लोग बार बार जो है 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, अच्छे दिन मांग रहे थे, लेकिन अगर सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है तो हम इस बात की कड़ी निंदा नहीं करेंगे। सिर्फ इस संबंध में एक बात बोलना चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है। जेएनयू छात्र छात्री तथा विभिन्न राजनैतिक दल मध्य चार्जशीट को विरोध करिछंती। लोकसभा निर्वाचन पूर्व यहाँ राजनैतिक षड्यंत्र बोली कहा जाय छि। There are politically motivated charges, and nobody can accuse All India Student Federation for any activity which is against the interests of the country or democracy. It was All India Youth Federation, which was a premier student organization during freedom movement. उनके कोर्ट के आर्डर से वो अपना पीएचडी यहाँ पे सबमिट करके चले गए। कोर्ट ने उनको कहा कि इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब फिर से इसको लाया जा रहा है। एक यकीनन सी बात है, इसमें कुछ स्टूडेंट लीडर ऐसे हैं जो इस वक्त बाहर पूरे देश में बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। अभी चार्जशीट फाइल होने वाली है, कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होगा वो सब, मुझे लगता है कि लॉ सही डिसीजन लेगी और हमें पूरा भरोसा है कि संविधान का जो कानून है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको सही तरीके से लिया जाएगा। मुझे यही लगता है कि इस वक्त इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक इलेक्शन गिमिक है। इस गवर्नमेंट के द्वारा 4 साल में कुछ नहीं किया है, तो जो कुछ दिखाने के लिए नहीं है इस गवर्नमेंट के टाइम गवर्नमेंट को, तो उनको कुछ और जुमला चाहिए। सेपटे पुलिस कहिछि जे अभियुक्तन का विरोध रे पक्का प्रमाण एकाठी करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कर्णाटकर जेडीएस कांग्रेस मिलित सरकार ने आसंता लोकसभा निर्वाचन पर आसन बुझामणा नहीं विपद। दुई दल मध्य संपर्क दिनक दिन खराब होसंता। साधारण निर्वाचन पर आसन भाग बंटा को नहीं कांग्रेस बड़ भाई पणिया देखा जेडीएस तहार दृढ़ विरोध कर। जेडीएस नेता तथा कर्णाटक मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कहते जे दल को एक तृतीय श्रेणी नागरिक भाव व्यवहार करने उचित नुहे। आसंता निर्वाचन में बीजेपी को हर उभय दल एकाठी हो लोकसभा निर्वाचन को जवा उचित। एणे कांग्रेस वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अभियोग करते जे बीजेपी राज्य सरकार को भांगा चेष्टा कर। तीन जन कांग्रेस विधायक मुंबई में बीजेपी नेता समय बिताऊ से कहते। राज्य बीजेपी सूत्र शिवकुमार अभियोग को अस्वीकार करना। असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों निज आड़ आने को चेष्टा करजेपी नेता दावी करते। सब् ठीक ठाक हुए ताहले सरकार मकर संक्रांति पर राज्य में नुआ सरकार गठन हो राज्य बीजेपी नेता। दुईहजार उन्नीस महालढ़ई पूर्व देश में सृष्टि होवे लगी नुआ नुआ राजनैतिक समीकरण। कांग्रेस को बाद दे उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी एकाठी होगा पर एवं आउ एक बड़ राज्य बिहार एमती एक समीकरण नहीं आरंभ हो चर्चा।
लालूंक पुओ तेजस्वी यादव बीएसपी प्रमुख मायावती को भेटा को नहीं आरंभ हो कल्पना जल्पना सेपटे महाराष्ट्र में किंतु एनसीपी सह मेंट कर बीजेपी को कड़ा जवाब देवा कांग्रेस आरंभ कर प्रस्तुति लोकसभा निर्वाचन पर बढ़वे लगी राजनैतिक उष्मता आरंभ हो विभिन्न दल मध्य मेंट नहीं कथबार्ता उत्तर प्रदेश में बीजेपी विरोध में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मध्य आसन बुझामणा चूड़ांत होता बेले एवं राजनैतिक दृष्टिकोण आउ एक गुरुत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में भी राजनैतिक उष्मता वृद्धि पाई शासक बीजेपी विरोध में अंटा भिड़ कांग्रेस और एनसीपी राज्य में दुई दल एकाठी लोकसभा निर्वाचन लड़े राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मेंटरे कौन स्थान नहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार अनुसार एनसीपी निज कोटारु गोटे आसन स्वाभिमानी सेटकारी संगठन को छाड़ आउ किसी आसन वामपंथी छाड़ कांग्रेस एवं आसतु नजर पकाइबा महाराष्ट्र में गत दुईट लोकसभा निर्वाचन फलाफल पर 2014 लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी शिवसेना मेंट 41 आसन में जीति बीजेपी 23 और शिवसेना 8 आसन में विजयी होता कांग्रेस और एनसीपी मेंट को मिली मात्र 6 आसन एम एनसीपी 4 और कांग्रेस पाई 2 सीट 2009 कांग्रेस खाता को 17 आसन जाता बेले एनसीपी जीति 8 बीजेपी 9 और शिवसेना 11 आसन जीति 2009 कांग्रेस एनसीपी मेंट होता एपटे उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी मेंट पर सारा देश में राजनैतिक हलचल आरंभ हो यार प्रभाव बिहार भी देखा मिली आरजेडी नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पुव तेजस्वी यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भेटी लखनऊस्थित मायावती बासभवन में तेजस्वी तांकु भेटी दुईं मध्य प्राय 2 घंटार आलोचना पर उभय एका सांगे गणमाध्यम सामना को आसिले मायावती जन्मदिन शुभेच्छा जनवा आशीर्वाद नेबाकु आसी कहिले तेजस्वी लगातार लालू जी के भाषणों को अगर आपने देखा होगा या प्रेस वार्ता को देखा होगा तो उनका यही था कि यूपी में भी एक महागठबंधन बनाया जाए जिसमें सपा और बसपा आदरणीय मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करें क्योंकि देश में जो परिस्थिति जो है अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार का लागू है आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है आरक्षण को कहीं ना कहीं से समाप्त करने की पूरे कोशिश में क्योंकि आप देखिएगा जो मोहन भागवत ने कहा आज वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तेजस्वी साक्षात करिबा बिहार राजनीति में गुंजरण सृष्टि करिछि ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया पाकिस्तान भारतीय दूतावास उपरे गुइंदार नजर एपरिकी सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने प्रयास परिघटना सामना को आसी निकटने भारतीय दूतावास दुई जन कूटनीतिज्ञों सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने प्रयास भारतीय दूतावास से सेकेंड सेक्रेटरी अकाउंट हैक करने को जा जड़े हैकर संपर्कों नाँ फेक अकाउंट करते एपरिक जड़े भारतीय अधिकारी संपर्क में हैकर जनक तथ्य मांगे आउ जड़े सेकेंड सेक्रेटरी फेसबुक इमेल जरिया अकाउंट को बारंबार लग इन कर प्रयास जमापड़ अने एक घटनाक्रम इस्लामाबाद आयोजित एक विवाह समारोह में भारतीय दूतावास राष्ट्रदूत और उपराष्ट्रदूत गुइंदागिरी जमापड़ एसबुक नहीं भारत पक्ष कड़ा विरोध प्रकाश कर रामचरित मानस तुलसीदास कहते जे संत समाज जो भी देखाजे से दर्शन करवा मंगलमय होता है आ प्रयाग किंतु प्रयागराज में जिते विश्वर सबुठ बड़ मेला कुंभ मेला लगी से विश्वर कोण अनुकोण एठार साधु सत पहुंची सरकार अनुमान कर प्रथम स्नान ही 12 कोटी लोक आस्थार बुड़ पक भारत माटी रे विश्वर सबुठारु बड़ और दीर्घ मेला पवित्र नदी रे आस्था और श्रद्धार बुड़ चारिपटे अतुल्य भारतर चित्र भारतीयंक सह विदेशींक भितरे भी उत्साह साधुसंतंक ठारु नै लक्ष लक्ष संख्या रे श्रद्धालु और भक्त प्रयागराज रे पहुंची सारी मकर संक्रांति रे पवित्र बुड़ सह प्रयागराज रे आरंभ हेबो कुंभ मेला
विश्वर यह सबुठारु बड़ मेला को दुई हाथ मेलाई आमंत्रण करुछि भक्त को स्वागत करुछि प्रयागराज। संगमर कूल और चारिपटे चमकुवा आलोक आउ ए रंग बेरंगर दृश्य कुंभर भव्यतार कहानी वर्णना करुछि। रातिर अंधकार चमकुवा पोल तो आउ केउठी लेजर लाइट्र दृश्य कुंभ को देछि स्वतंत्र रूप। गंगा जमुना और सरस्वती मेल भितर ए पूरा अंचल राति अद्भुत आलोक गाधुवा देखा जाउछि। प्रयागराज पूर्वरु एते सुंदर केबे भी नथिला। पवित्र नदी में स्नान तीन थर बुड़ पकाइले सबु पाप धोई जाए और मनुष्य को जन्म पुनर्जन्म मुक्ति मोक्ष प्राप्ति हुए। यही कारण देश विदेश कोटि कोटि लोक कुंभरे बुड़ पकाइबा को आसंती। कुंभरे किछि खास दिन रही खास महत्व 15 जनवरी 2019 मकर संक्रांति प्रथम पवित्र बुड़, 21 जनवरी 2019 पौष पूर्णिमा, 4 फेब्रुआरी 2019 मौनि अमावस्या मुख्य और द्वितीय पवित्र बुड़, 10 फेब्रुआरी 2019 बसंत पंचमी तृतीय पवित्र बुड़, 19 फेब्रुआरी 2019 माघ पूर्णमी, 4 मार्च 2019 महाशिवरात्रि। पहली बार आए हैं इधर पे आप? नहीं नहीं, 2-3 बार आ चुके हैं। इस बार की व्यवस्था कैसी लगी आप? बढ़िया सर। अच्छी लगी जी। तो नाव से घूमने में कैसा आनंद लगा? बहुत बढ़िया। अभी आप नाव घूम के आ रहे हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट टाइम आप इधर आई हैं या इसके पहले? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। इस बार कुछ व्यवस्था में कुछ चेंजिंग है? कुछ व्यवस्था में पानी साफ था, बाकी का तो वैसे ही था। और क्या, घाट वगैरह? घाट वाट वैसे ही थे पहले जैसे। प्रयागर कुंभ मेला बाकी मेला तुलन में अधिक महत्वपूर्ण। मान्यता अच्छी कुंभ प्रकाश आड़क नहीं जाए। यह एमती स्थान जो बुद्धिमतार प्रतीक सूर्य उदय हुए। पुराण अनुसार प्रयागराज में जो स्थान में कुंभ हुए ताको ब्रह्मांडर उद्गम और पृथ्वीर केन्द्र बोली विश्वास कराए। यही कारण एथर कुंभ में प्राय 12 कोटी भक्त आसवर अनुमान। एमती रे सरकार यार आयोजन एक बड़ चैलेंज था। तबे यार असल अग्नि परीक्षा कुंभ आरंभ हेबा सह होइजिबो। तबे हो जाहंतु प्रस्तुत। प्रयागराज आपणंकु डाकुछि, चाहंतु कुंभ जिबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समय सरिछि भारत 360 रे वर्तमान पै खबर देखि। नमस्कार।